नव तत्वों में छुपी हुई चैतन्य ज्योति, ये विषय की हमने आज शुरुआत करी थी और दादा के उद्बोधन के बाद इसी पे हम निष्कर्ष पे पहुँचे कि किस तरीके से उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को जो सभी अधिकारों के माध्यम से उन्हें समझाया है और वो ज्योति हमेशा जगमगाती रहती है, इस किस ऐसे वर्णन उसमें आया है। अब क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है तो इसलिए मैं जो हमारे विद्यार्थी परमागम ऑनर्स के बहुत इंतज़ार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, तो उस पर जाना चाहूँगी। आप रिजल्ट की स्लाइड खोल दें। ।2016 का बैच, जिनका फिफ्थ सेमेस्टर का भी एग्जाम्स हुआ है, ये उसका रिजल्ट है। तो 2016 के बैच में, अगली स्लाइड, हर बैच के टॉपर्स के बारे में मैं पहले आपको बताऊंगी और इसके बाद में ओवरऑल उस साल के बैच में कौन ने टॉप किया है, हम इस पर जाएंगे। तो सबसे पहले यदि हम बोरीवली बैच में देखें तो सोनल शाह ने टॉप किया है, जिन्होंने 91.67% मार्क्स पाए हैं। दादर बैच में जीनल हरिया जो कि हमारे मेन वर्किंग कमिटी में पूरा संभालती है, मैनेजमेंट कमिटी में, उन्होंने अपनी क्लास में भी टॉप किया है 98.83% से। घाटकोपर में कुंतल मवानी 97.5%। कुंतल मवानी लास्ट टाइम भी सेकंड हाईएस्ट आए थे, इस बार भी उन्होंने अपने बैच में टॉप किया है। सिंगापुर से सचिन जैन और रजनी जैन, दोनों की ही 88.33% है। सूरत बैच में कविता कासलीवाल 96.67%। यूएसए बैच के टॉप किया है निकेता पारेख। मोस्ट ऑफ देम आर द टीम लीडर्स एज वेल, जो जो अपने अपने बैच के लीडर्स हैं उन्होंने टॉप भी किया है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी टॉप हैं और अपनी अपनी पढ़ाई में भी टॉप हैं, ऐसा यहाँ पर नजर आता है। निकिता पारेख यूएसए बैच के टीम लीडर हैं, 97% उन्होंने भी टॉप किया है। वाशी बैच में प्रियंका अतुल जैन ने टॉप किया है विद 93.83%। विले पार्ले में नीति लुंकर ने टॉप किया है 92.83% में। इस तरीके से टोटल 2016 बैच के कंप्लीट टॉपर हैं जीनल हरिया। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, कंप्लीट टॉपर हैं जीनल हरिया, यानी ऑल ओवर सारे बैचेस में। कुंतल पराग मवानी घाटकोपर बैच के सेकंड हाईएस्ट हैं और निकिता पारेख जो कि यूएसए बैच की है ये थर्ड हाईएस्ट है। तो इस तरीके से 2016 बैच के तीनों हाईएस्ट हैं। इसके अलावा यदि हम 2017 बैच में जाते हैं तो वहां पर अदम्बकम, ये चेन्नई में तमिल में होता है बैच, इसमें जी मालती चक्रवर्ती 94%। अम्बातुर, ये भी तमिल में होता है चेन्नई में, चक्रवर्ती पद्म प्रभा 97.33%। भोपाल में बहुत सारे बैचेस चलते हैं जिसे पुनीत मंगलवर्धनी जी जो हैं वो चलाते हैं, वहां पे अलका जैन 97.33%। बोरीवली में प्रग्नेश दोषी 99%। गुजराती टेलीकॉन्फ्रेंस, हमारा टेलीकॉन्फ्रेंस में गुजराती भाषा में एक बैच चलता है, उसमें परिमल मेहता 94.66%। इसके अलावा पम्मल बैच, जो एक और बैच है चेन्नई में तमिल में चलता है, वहां पूजा माधी सागर 98.33%। सैटरडे टेलीकॉन्फ्रेंस शुद्ध जैन 88%। ट्यूजडे टेलीकॉन्फ्रेंस मीना शिशोदिया 96%। वेपरी बैच, ये चेन्नई में चलता है लेकिन ये हिंदी में है, इसमें प्रियदर्शना जैन एंड कश्मीरा शाह 94.67%। वेडनेसडे बैच जो चलता है उसमें अनुराग जैन और प्रतिभा, इनको मिले हैं 88.67%। तो इस तरीके से 2017 के ये सारे 10 बैचों में प्रग्नेश दोषी बोरीवली ने 99% से टॉप किया है, 98.3% से पूजा मादी सागर पम्मल बैच एंड 97.3% से चक्रवर्ती पद्म प्रभा अम्बातुर बैच, अलका जैन भोपाल बैच और चेतन पारेख, इन तीनों ने ही एक साथ किया है। अब हम आते हैं 2018 में जो बैच शुरू हुआ है इसी साल। कितनी संख्या है उनकी वो बताओ, कितनी संख्या है? तो एक एक नाम के रिजल्ट बताए, फर्स्ट आए। हाँ, लेकिन कितने विद्यार्थी बैठे हैं परीक्षा में? टोटल मैंने शुरुआत में आज जब इंट्रोडक्शन दिया था तो हमारे सारे विद्यार्थियों के बारे में बताया था, 851 विद्यार्थी टोटल बैठे हैं
उसमें से ये लोग इतने इतने में टॉप किया है इन लोगों ने, और 34 बैचेस हैं जिसमें 851 विद्यार्थी हैं, तो 34 बैचेस में से हर बैच के टॉपर अभी हम देख रहे हैं, और बाकी सबका रिजल्ट वेडनेसडे तक आपके आपको आपके आपके टीम लीडर्स आपको दे देंगे, तो आपको मिल जाएंगे। तो अब हम आते हैं 2018 का बैच जो इसी साल में शुरू हुआ है, उसमें जो अम्बातूर बैच है वहाँ पे अर्चना ए अपंडई 92.67%, अरेरा कॉलोनी वाला जो बैच है भोपाल में वहाँ श्रद्धा जैन 91.6%, कोहेफिजा भोपाल में जो बैच चलता है वहाँ प्रभास जैन 95%, और पंचशील नगर भोपाल में जो बैच चलता है वहाँ अभिलाषा जैन 92.33% से उन्होंने टॉप किया है। भोपाल में पिपलानी में एक और बैच चलता है वहाँ पर साक्षी जैन 91.33% इनको प्राप्त हुए हैं, और दिल्ली शंकर नगर में स्पर्श जैन 89.83%, दिल्ली विश्वास नगर में निधि जैन 86.67%, और गुजरात टेलीकॉन्फ्रेंस में रश्मि गांधी 89.33% से इन्होंने टॉप किया है। इसके अलावा मुंबई बोरीवली गर्गी ध्रुव 95%, मुंबई वसई रूबल जैन 97%, सैटरडे टेलीकॉन्फ्रेंस अंजलि जैन 95.33%, और शोलापुर अकलुज स्फूर्ति फड़े 88%, शोलापुर नाते पुते पूर्वा दोषी और मीनल दोषी 85%, और संडे टेलीकॉन्फ्रेंस में तनु जैन 95.83% से इन्होंने टॉप किया है। इस तरीके से 2018 के बैच के जो टोटल तीन टॉपर हैं उसमें 97% पे रूबल जैन वसई ने टॉप किया है, 95.8% पे तनु जैन संडे टेलीकॉन्फ्रेंस ने टॉप किया है, और 95.3% पे अंजलि जैन सैटरडे टेलीकॉन्फ्रेंस इन्होंने टॉप किया है। तो ये सारे 34 बैचों के टॉपर्स हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। कुछ आपको दो विद्यार्थियों के टेस्टिमोनियल्स दिखाएंगे जो कि हम हर बार दिखाते हैं कि उन्हें ये बैच कैसा लगा, ये पढ़ाई उन्हें कैसी लग रही है। जब तक मैं संजीव जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि शिविर के बारे में 2 मिनट हमें सभी को सूचना दे दें। सारे परमागम ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए ये सूचना दी जा रही है कि आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं। शिविर की सूचना देने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। सामने बैठे हुए लोगों को तो ज्ञात है ही, लेकिन जो लोग कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाहर सुन रहे हैं, हमारे यहाँ जयपुर में पिछले 40 वर्षों से जो प्रतिवर्ष शिविर लग रहा है, इस बार 41वां आध्यात्मिक शिक्षण शिविर 12 अगस्त से 21 अगस्त तक यहाँ जयपुर में आयोजित होने वाला है। जो शिविर आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भालिन साहब के सानिध्य में और देश विदेश के ख्याति प्राप्त अन्य विद्वानों के सानिध्य में लगेगा, तो जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में यहाँ शिविर में पधार कर धर्म लाभ ले लें। विविध विषयों की कक्षाएं लगती है, सुबह 5:30 बजे से शिविर प्रारंभ होता है और रात्रि में 10 बजे तक बराबर कार्यक्रम चलते हैं, और उन कार्यक्रमों में लगभग 40 से 45 विद्वानों का लाभ हमारे को मिलता है। एक और विशेष शिविर जो इस वर्ष यहाँ लगने जा रहा है वो है जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा शिविर। पिछले 18 वर्षों से वहाँ अमेरिका में जाना के माध्यम से एक शिविर आयोजित किया जाता है, जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा प्रतिवर्ष शिविर लगता है। 18 शिविर वहाँ संपन्न हो चुके हैं जो दादा के सानिध्य में वहाँ लगाया जाता है, और भी विद्वान रहते हैं। वह शिविर पूरे अमेरिका के लोग मिलकर किसी एक स्थान पर लगाते हैं प्रतिवर्ष। इस बार अमेरिका के लोगों की ये भावना हुई कि 19वां शिविर पहली बार यहाँ टोडरमल स्मारक में लगाया जाए, और वो विशेष शिविर माने किस तरह के वहाँ शिविर होते हैं, किस तरह की कक्षाएं लगती है, और किस तरह के गहरे तत्वाभ्यासी वो लोग हैं अमेरिका से, कनाडा से, और भी जो भारत के बाहर रहने वाले लोग हैं, वे सभी यहाँ जयपुर में पधारेंगे। जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप जयपुर आने का प्रोग्राम बनाएं, उनकी डेट्स आप नोट कर ले लें। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक उस शिविर का आयोजन होगा। इस शिविर में विद्वानों का लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में 2 दिवसीय यात्रा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें अजमेर, नारेली, पदमपुरा, जयपुर में चूलगिरी टोडरमल जी का मंदिर, और
मुल्तान नगर का जो पाकिस्तान से आया हुआ मंदिर है, उन मंदिरों के दर्शन का लाभ मिलेगा। बीच बीच में कार्यक्रम रखेंगे और बराबर आपको प्रवचनों का लाभ मिलता रहे, ये विशेष सूचना मैं आपको देने के लिए उपस्थित हुआ था। दोनों तारीख आप ध्यान रखें, एक 12 अगस्त से 21 अगस्त तक जयपुर में शिविर, और एक दिसंबर का शिविर जो कि जाना द्वारा था। इन दोनों के बीच में एक और शिविर है, आप लोग डेट्स नोट कर सकते हैं, 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक वो शिविर भी जयपुर में ही आयोजित होगा। तो इस बार जयपुर में यहाँ टोडरमल स्मारक में 3 शिविर आयोजित होने वाले हैं। प्रशिक्षण शिविर भी यही होगा क्या? प्रशिक्षण शिविर, हाँ वो प्रशिक्षण शिविर भी इस बार जो आगे 2019 में लगने वाला है वो भी जयपुर में ही लगेगा। वार्षिक उत्सव भी होगा, बीच में टोडरमल स्मारक के माध्यम से चेन्नई यात्रा का भी प्रोग्राम होगा। बहुत सारे प्रोग्राम टोडरमल स्मारक के माध्यम से संचालित हो रहे हैं, आप उन सभी का लाभ ले। एक YouTube के संदर्भ में जो सूचना दी थी अभी, जो चैनल पर आपको वितराग विज्ञान और तत्वज्ञान पाठमाला, बहुत सारे लोग जो क्रम से सुनना चाहते हैं वे ध्यान देवें, आपको जब भी क्रम से प्रवचन सुनना है आपको चैनल पर जाकर हमेशा प्लेलिस्ट से ही सुनना होगा, तो आप प्रवचनों को क्रम से सुन पाएंगे। जिस भी चैनल पर आप जाकर के सुनते हैं, प्लेलिस्ट से यदि आप सब्जेक्ट वाइज सेलेक्ट करेंगे तो आप उन सब्जेक्ट्स को क्रम से सुन पाएंगे। हमारे विद्यार्थियों के टेस्टिमोनियल कुछ टेक्निकल ग्लिच है, जब तक वो करवा रहे हैं मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जितने स्नातक स्मारक से निकल के देश विदेश में फैल चुके हैं और जो प्रकार के कार्यक्रम या योजनाएं स्मारक से या जो गतिविधियां चल रही हैं, जो शास्त्री का कोर्स, मुक्त विद्यापीठ, परमागम ऑनर्स, शिविर इत्यादि, तो ये और टेक्नोलॉजी ये मिलकर, अभी आपको संजीव जी भाई साहब ने ये भी बताया कि किस तरीके से उनके भी सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे उपलब्ध हैं किसी भी वक्त, तो अब ऐसा कोई रीजन नहीं है कि यदि किसी को आत्मकल्याण की रुचि जगे और उसके पास में निमित्त मिलने को उसे कहीं खोज के जाना पड़े। यानी कि सबके घर घर के मोबाइल पर, घर घर के लैपटॉप पर, कंप्यूटर में ये बात हम हर घर में ले जा चुके हैं इन माध्यमों से, तो अब यदि फिर भी कोई अपना कल्याण नहीं करता है तो फिर उसकी होनहार ही टोडरमल जी की भाषा में सोचकर हमें दया आती है। तो इसीलिए हम सभी इसका पूरा पूरा लाभ लें। अब शायद इसको थोड़ा समय लग रहा है, यदि हो पाएगा तो बढ़िया है, हो गया तो करिए। ऑडियो खाली आएगा, शायद वीडियो नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, ऑडियो शुरू करिए। जय जिनेंद्र, मेरा नाम नीलेश बंडी है, मैं परमागम ऑनर्स के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे टीचर हैं शास्त्री चर्चित जी और मैं US ओहायो में रहता हूँ। मुझे इस कोर्स के बारे में नागपुर के विपिन जी शास्त्री हैं, उनसे पता चला था। अब एक सेमेस्टर ख़त्म करने के बाद मुझे कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल लगा है। इसमें जैन धर्म के बेसिक्स बहुत अच्छे तरह से समझ में आए हैं, इसमें फंडामेंटल्स इतनी अच्छी तरह कवर किए हैं कि हमें बहुत क्लियरली फाउंडेशन जैन धर्म की समझ में आ रही है। हम ड्यूरिंग द कोर्स में शास्त्री जी ने इतना डिटेल में और सिस्टमेटिकली सिंपल वे में बताया, हमने बहुत बार ये भी डिस्कशन किया कि इसको प्रैक्टिकल वे में कैसे अप्लाई करना है। जैसे कोर्स के शुरू में स्वानुभूति जी ने कहा था कि डॉक्टर बनने के लिए जैसे हम सिस्टमेटिकली पढ़ाई करते हैं, वैसे ही हमें धर्म के बारे में भी सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए, और वो काफ़ी सही लग रहा है मुझे, क्योंकि इतने फंडामेंटल जब तक क्लियर नहीं हो हम कोई बुक उठा के पढ़ने लगे तो समझ में नहीं आता है, लेकिन अब पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये फंडामेंटल्स जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जब भी हमने एग्ज़ाम दी फर्स्ट सेमेस्टर की, और उसमें नहीं हमारा रिवीजन तो हुआ ही कोर्स के बारे में एग्ज़ाम देने से, और साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से डिटेल में भी समझ में बैठ के हमको धर्म का इतना अच्छा लाभ मिल रहा है। ये इसके लिए हम थोड़ा स्मारक स्वानुभूति जी, सारे टीचर शास्त्री चर्चित जी, जीनल जी, सभी के बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद। जय जिनेंद्र, मेरा नाम नीलेश बंडी है, मैं अब दूसरे बार जय जिनेंद्र, मैं चित्रा जैन चेन्नई से 2018 संडे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग बैच की छात्रा हूँ। कोर्स को ज्वाइन करना मैं एक पुण्यदय एवं संयोग मानती हूँ।
चमेली के ज्ञानार्जन में का प्रयोग मैंने अपने जीवन की कई अनुकूल एवं प्रतिकूल स्थितियों में किया, और जब मैं इन परिस्थितियों में अपने आप को बड़ी सहजता एवं संयम से संभाल पाई तो मैं इस कोर्स की उपलब्धि मानती हूँ। इसमें इसके चलते पुनः आगे बढ़ने की जिज्ञासा बढ़ी है, तो मैं इस को भी एक कोर्स की ही उपलब्धि मानती हूँ, क्योंकि प्रायः आज के युग में कोर्सेज बहुत उपलब्ध हैं, पर परमागम कोर्स का स्ट्रक्चर एवं डिज़ाइन बहुत ही रुचिकर है, जिससे इसमें आगे बढ़ने में शिथिलता नहीं आती। कुल मिलाकर एक बहुत ही सुंदर पैकेज है, जहाँ पे आगम का ज्ञान एवं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का संगम देखने को मिलता है। यह एक मुझे ऐसे ज्ञान रूपी भंडार का संदूक प्रतीत होता है, जो कि समिति ने हमारे समक्ष उच्च कोटि के अध्यापकों के माध्यम से रखा है, और इसका अध्ययन हमें निरंतर स्व कल्याण के लिए तो करना ही चाहिए, और इसे बांटकर जन कल्याण के लिए भी करना चाहिए। तो इसे हमें हमारे तक पहुंचाने के लिए मैं सभी का आभार एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और अंत में हमारी चिन्हने की एक सीनियर स्टूडेंट श्रीमती राजल का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस कोर्स से जोड़ा। धन्यवाद। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे विद्यार्थी ये वो लोग हैं जिनने कईयों ने स्मारक का नाम भी नहीं सुना था, या अध्यात्म क्या होता है या समयसार क्या होता है, ये सब इनने पहली बार सुना है, और इनके घर तक भी हम इस बात को पहुंचा पा रहे हैं। तो मैं पंडित टोडोमल स्मारक ट्रस्ट को थैंक यू कहना चाहूँगी, मैं आभारी हूँ कि उनने हमको ये मौका दिया कि हम इसको आगे बढ़ा सकें। मैं सारे टीम लीडर्स का धन्यवाद देना चाहूँगी, जो कि अपने अपने बैचेस में इतना करते हैं मेहनत, और सभी में प्रचार करने में इतनी मदद करते हैं। हमारी मैनेजमेंट कमेटी के बिना तो ये चल ही नहीं सकता है, तो मैं खुद उनको थैंक यू बोलना भी चाहूँगी, और इसके अलावा वो सब अब होस्ट बन चुके हैं एक तरीके से, तो इसलिए वो दिस साइड ऑफ द गेम आ चुके हैं। हम नॉर्मली जब भी ये कार्यक्रम करते हैं तो इसके अंत में एक प्रतिज्ञा लेते हैं। सारे परमागम ऑनर्स के विद्यार्थी खड़े होंगे, जहाँ जहाँ पे भी हैं उपस्थित, हम सभी खड़े होकर ये प्रतिज्ञा लेंगे। मैं कहूँगी और आप दोहराएंगे, और उसके साथ में हम आज की सभा की समाप्ति करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और जैसे मैं ये कहूँ तो उसके बाद रिपीट करें। मैं ये प्रण करता हूँ कि मैं आत्मकल्याण को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाऊंगा। आत्मकल्याण की दृष्टि से ही नित्य शास्त्र स्वाध्याय करूंगा। मैं किसी भी क्रिया या वचन से शुद्ध वीतरागी मार्ग की विराधना नहीं, बल्कि कृत कारित अनुमोदना से प्रभावना ही करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि जिस मोक्ष मार्ग के पथ पर अपना पहला कदम बढ़ाया है, अब मैं नित्य उस पर बढ़ता ही रहूंगा। प्रतिकूलताओं में भी आत्मकल्याण के मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा, और किसी भी कषाय की तीव्रता में या प्रमादवश इस कोर्स को बीच में नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं ये प्रण लेता हूं कि किसी भी कषाय की तीव्रता में या प्रमादवश इसे बीच में नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद। कल सुबह के कार्यक्रम में इतना परिवर्तन है, 7:30 बजे से 8:30 बजे तक जिनेन्द्र पूजन पंचतीर्थ जिनालय में।